الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बाबा से बुलंद रूशी पढ़ो सलातो वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह अस्सलातो वस्सलाम अलैका या सैयदी या खातमन नबियीन वाला आलिका व असहाबिका या सैयदी या नूर अल्लाह दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा खिताब तुसी मेरे तो पहले सुन चुके हो और मेरे तो बाद भी तुसा एक अजीम खतीब दा खिताब सुनना है। मैं बीमार हाँ इस वजह तो मैं कुर्सी ते बह गया। मोहब्बत दे नाल बोल छोड़ो सुभान अल्लाह। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा मैं लब के ले आवा कित्थों मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा मैं लब के ले आवा कितों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा और चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नू चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू रब भी दरूद भेजे एक तेरी जात नू शैदाए जमाना तेरे शैदाए जमाना तेरे हुसनो जमाल दा शैदाए जमाना तेरे
हुस्नो जमाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। और मक्के जाने वालिया मदीने जाने वालिया ठेडे खान वालिया सीने लाने वालिया मक्के जाने वालिया मदीने जाने वालिया ठेडे खान वालिया सीने लाने वालिया तेरे बिना डिगिया तेरे बिना डिगिया कोई नहीं संभालदा तेरे बिना डिगिया कोई नहीं संभालदा मैं लब के ले आवां कितों सोना तेरे नाल दा। हमदो सलात तो बाद मेरे नहायत ही मुअज्ज़ज़ और मोहतरम सामईनो हाजरीन अज दी अजीम शान महफिल पाक बसिलसिले जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी इस मस्जिद इस ग्राम मुंडे दे अंदर इनेकाद पजीरे दुआ है अल्लाह ताला असा सारयां दा मिल के बावना अपने दरबार दे अंदर मकबूल और मंजूर फरमाए। स्टेज दे उत्ते उलमाए कराम तशरीफ फरमा ने जिन्हां दे असमाए ग्रामी तो मैं वाकफ नहीं मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अलामा कारी मुहम्मद सईद साहिब खतीब जामा मस्जिद मुंडे आप भी जलवा फरोज ने मेरे भाई मोहम्मद अमीर हमजा साहेब अजीम सना खान रसूल आप भी तशरीफ फरमा ने। हजरात मोहतरम अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि खालके कायनात मुख्तसर वक्त के अंदर मैनु हक बात बयान करन दी तौफीक अता फरमाए मैनु और तुहानू सुन सुना के अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। खालके कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया कद जा अकुम मिनल्लाह नूर फरमाया तहकीक अल्लाह ने तुहाडी तरफ अपना नूर भेज दिता है। थोड़ी जी मुहब्बत न लाख सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आखना सवाब है। और महफल के अंदर तुम बैठे हो हजरत शाह मुहक्किक मुहद्दस से दिल भी फरमाते ने लोगो सरकार दे जिक्र दी महफल के अंदर जिसले बंदा आ जाए बावन का तरीका यह होंगे है सरकार दो आलम अली सलाम दे गुलाम दे सामने जिसले सरकार दा जिक्र किया जाए सरकार दा जशन पढ़िया जाए उस दे चेहरे ते मुस्कुराहट आवेंदी है लबां ते रब दे रसूल दा जिक्र आवेंदा है ते मुहब्बत दे नाल बावणा है सरकार दे जिक्र दी महफल है। खालके कायनात ने अपने हबीब नू नूर बना के कायनात दे अंदर भेजे हजरत अलामा बदरुद्दीन ऐनी रदी अल्लाह तआला नो आप इरशाद फरमांदे ने लोगो सरकार दो आलम अली सलाम जिसले मेराज की रात अल्लाह दे नाल हम कलाम आवन वास्ते गए सरकार दो आलम अली सलाम सत्ते आसमाना तो पार होके सिदरतुल मुंतहा दी बुलंदियां पार करदे होया ला मकाना दी बुलंदियां ते जिसले गए खालके कायनात दे नाल मुलाकात हुई सरकार दो आलम अली सलाम इरशाद फरमांदे ने लोगो खालके कायनात ने मैनू आख्या सुम्मा दना फता दल्ला फकान काबा कौ सैने औ अदना फरमाया हबीब मेरे करीब हो जा सरकार इरशाद फरमांदे ने मैं रब दे करीब होंदा गया मैं रब दे करीब होंदा गया खालके कायनात मैनू आखदा गया ऐ मेरे हबीब मेरे करीब हो जा मेरे होर करीब हो जा सरकार दो आलम अली सलाम इरशाद फरमांदे ने मैं रब दे इतना करीब हो गया कि रब दा दस्ते कुदरत जेड़ा ओदी शान दे मुताबक ओदे कोल मौजूद है खालके कायनात दा दस्ते कुदरत मैं मुहम्मद दी पुश्त दे उत्ते आ गया है मैं मुहम्मद दे सीने दे अंदर ठंड पै गई है। हजरत अलामा बदरुद्दीन ऐनी फरमांदे ने लोगो इदे सरकार दो आलम अली सलाम दी मेराज वाला वाकिया सरकार मेराज दी रात रब दे नाल हम कलाम होए सरकार दो आलम अली सलाम दी रब दे नाल मुलाकात हुई रब दा पूरा दस्ते कुदरत जेड़ा ओदी शान दे मुताबक है ओ पूरा सरकार दी पुश्त दे उत्ते आया सरकार दे सीने दे अंदर ठंड पै गई इदे कोहे तूर वाला वाकिया कुराने मजीद दे अंदर सारा मौजूद है। हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम रब दी बारगाह दे अंदर गए अर्ज कीती मौला मेरी कौम तैनू वेखना चाहती है ते मैनू आखदी है जितना तक असी रब दा जलवा नहीं वेखांगे उदों तक असा रब नू हिक नहीं मनना ऐ अल्लाह तू असानू अपना जलवा विखा दे मेरे खालक ने इरशाद फरमाया मूसा तेरी कौम दे अंदर एक कुव्वत नहीं ओ मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर सके मैं अपनी तजल्ली दा करोड़वां हिस्सा कोहे तूर पहाड़ ते पावांगा अगर उन्हें बर्दाश्त कर लिया फिर मैं उन्होंने अपना जलवा विखा देवांगा
खालके कायनात दा कुरान बयान फरमांदा है, जिसले हजरत मूसा अली सलातो व सलाम अपनी कौम नू लेके कोहे तूर ते गए, अल्लाह करीम ने अपनी तजल्ली दा करोड़वां हिस्सा कोहे तूर पहाड़ ते पाया। मूसा अली सलातो व सलाम बेहोश हो गए, कोहे तूर पहाड़ जल के राख हो गया, हजरत मूसा दी कौम तबाह बर्बाद हो गई। अलामा बदरुद्दीन ऐनी फरमांदे ने लोगो, ज़हन दे अंदर एक ख्याल आउंदा है, अकल ए गल तस्लीम नहीं करदी, इत्थे पूरा पहाड़ है ओ जल के राख हो गया है, अल्लाह करीम दी तजल्ली दा करोड़वां हिस्सा पिया। उद्दे सरकार इरशाद फरमांदे ने, पूरा रब दा दस्ते कुदरत जेड़ा ओदी शान दे मुताबक है, मैं मुहम्मद दी पुश्ती उत्ते आ गया है, मेरे सीने दे अंदर ठंड पै गई है। अलामा बदरुद्दीन ऐनी फरमांदे ने लोगो, अल्लाह करीम ने सरकार नू नूर बनाया है, कोहे तूर पहाड़ है, मट्टी दा ढेर है, जल के राख हो गया, नूर दी तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकिया। इत्थे खालके कायनात ने अपने हबीब नू नूर बना के कायनात दे अंदर भेजिया है, जिसले नूर दा नूर दे नाल टकराव होया, मुहम्मद दे सीने दे अंदर ठंड पै गई, सरकारे दो आलम अली सलाम दे सीने दे अंदर ठंड पै गई। हजरत मोहतरम ओ अजमतां वाले नबी, ओ शाना वाले नबी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह दे अंदर एक बंदा आया, आके अर्ज करदा है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सानू दसो ते सही, अल्लाह करीम ने सरकार नू कितनी शान अता फरमाई है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कोई आम हस्ती नहीं, आप इरशाद फरमांदे ने लोगो, अल्लाह करीम ने मैनू इतना इलम दे दिता है, अगर मेरे उठ दी रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं वह भी अल्लाह के कुरान दे विचों तलाश कर सकदा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह अंदर आके सवाल किया, आपने इरशाद फरमाया, मेरे को सवाल करने वाले आ, मैं मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं सरकार मदीना की शान बयान करा, सरकार दी ते जात ओ जात है जिदे बारे रब ने कुरान दे अंदर बयान फरमा दिता, वा रफा ना लक जिक्र, हबीब असा तेरी खातर तेरे जिक्र नू बुलंद कर छोड़िया। सरकारे दो आलम अली सलाम दी शान मैं नहीं बयान कर सकदा, लेकिन तैनू एक गल दस देवा, कयामत तक लोगों ने दस दजामी ते याद रखी, अपने दिल के अंदर अकीदा मजबूत कर ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे को सवाल करने वाले आ, अगर अल्लाह करीम ने जितनी दुनिया ते मखलूक पैदा फरमाइए, सारे इंसान लिखण ते बह जावन, जितने रब ने दुनिया ते दरख्त पैदा फरमाए ने, सारियां दियां कलमा बना दित्तियां जान, जितने रब ने इस दुनिया ते समंदर पैदा फरमाए ने, सारे समुंदरां दी स्याही बना दित्ती जाए, इंसानां दी जिंदगी खत्म हो सकती है, दरख्तां दियां कलमा खत्म हो सकदियां ने, समुंदरां दी स्याही खत्म हो सकती है, मुस्तफा करीम दी जात ते हिक पासे, सरकार दी जुल्फां दे हिक वाल दे हिक कुंडल दी तारीफ भी मुकम्मल नहीं हो सकदी। मोहब्बत दे नाल बोलो सुभान अल्लाह। ताईं असीं अहले सुन्नत व जमात आ, साडा अकीदा ते ईमान है, असीं गली गली ते शहर शहर दे अंदर नारा पे लांदे आ, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया। जिस जिस बंदे नूं अल्लाह ने जबान अता फरमाई है, ये जबान भी सरकार दा सदका, सरकार दे जिक्र दे अंदर, सरकार दी जबान नूं अपनी जबान नूं हिला के, अपनी जबान सरकार दे जिक्र दे नाल पाक कर लो, सारी जे सारा दिन दुनिया दियां गल्लां, लेकिन अज सरकार दे जिक्र दियां गल्लां कर लो, या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवां मैं तेरे जया नहीं, किन्नू कवां मैं तेरे जया और तेरे जया सोना नबी मैं लब्बा ते ताजे होवे कोई, मैनू ते है बस इतना पता, तेरे जया कोई नहीं, मैनू ते है बस इतना पता, तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल बरा तेरे जया।
आओ मेरे आका इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जिन्हां जिन्हां सरकारे दो आलम अली सलाम दा जिक्र कीता है, सरकारे दो आलम अली सलाम दे जिक्र दियां महफिलां सजाईयां ने, सरकारे दो आलम अली सलाम दे जशन दे अंदर आ गए ने। मेरे आका इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम ने सरकार दे वसीले दे नाल उन्हां नूं इस दुनिया ते भी कामयाबी अता फरमाई है। मेरे खालके कायनात ने अगले जहान दे अंदर भी कामयाबी अता फरमा दिती है। आज तो 450 साल पहले दी लिखी गई किताब, जिस किताब का नाम है मिलाद अकबर, हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद रदी अल्लाह तआला नो आप इरशाद फरमाते ने लोगो सरकारे दो आलम अली सलाम दे जिक्र दी महफल सजाई हुई लोगों ने, हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद मिंबर ते बह के सरकार दा जिक्र पे करते ने, सरकारे दो आलम अली सलाम दा मिलाद पे बयान करते ने, सामने मजमे वाले वेख के सरकारे दो आलम अली सलाम दा जिक्र पे सुनते ने। मेरे आका इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदे दुल्ला वाले गोरे गोरे हथां दा जिक्र, कदी सरकार दे वजहुल्ला दे चेहरे दा जिक्र, कदी सरकार दी वल्लैल दियां ज़ुल्फां दा जिक्र, कदी सरकार दे वदुहा वाले मुखड़े दा जिक्र। मेरे आका इमाम अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद सरकार दा मिलाद पे बयान कर देने, उस मजमे दे अंदर एक बुढ़ा जिया बाबा जिस दी सफेद दाढ़ी है, टंगा दे अंदर चलण दी ताकत नहीं रही, जबान दे अंदर लुकनत आ गई है, बोलण दी ताकत नहीं रही, हथां दे अंदर कोई चीज पकड़न दी ताकत नहीं रही, मजमे दे अंदर कमदा कमदा खड़ा हो गया है। आके ऐलान कर दे ऐ अबू बकर बिन मुजाहिद, मैं इस मजमे दे अंदर ऐलान कर दा वां, अगर कोई सरकार दे जिक्र दी महफल दे अंदर मैनू सैयद ज्यादा समझ के, मैं सैयद ज्यादा वां, नबी दी औलाद आ, सरकार दो आलम अली सलाम दा नवासा वां, अज कई दिनों तो मेरे घर दे अंदर चूल्हा नहीं पिया जलदा, मेरे बच्चे भूखे ने, मेरे बच्चे भूख ते प्यास दे नाल पे मरदे ने। ऐ अबू बकर बिन मुजाहिद, अगर कोई मैनू सैयद ज्यादा समझ के मेरी खिदमत करेगा, कल कयामत वाला दिन होवेगा, मैं अपने नाने कोलों उसनू जन्नत लै देवांगा, अपने नाने कोलों जन्नत लै देवांगा। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद रदी अल्लाह तआला नो आपने मिंबर ते बह के ऐलान फरमाया, फरमाया ओए मजमे वाले ओ, इस बाबे दी अगर कोई सैयद समझ के खिदमत करेगा, एक कयामत वाले दिन उसनू अपने नाने कोलों जन्नत लै देवेगा, लेकिन मैं अबू बकर बिन मुजाहिद अज जिसले महफल खत्म होवेगी उस वास्ते बरकत दियां 3 दुआवां करांगा सरकार दे जिक्र दे वसीले दे नाल। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने ऐलान फरमाया, उस मजमे दे अंदर एक छोटा जिहा बच्चा जिसकी उम्र 9 या 10 साल है, अपनी जेब के अंदर हाथ पाया, 3 या 4 दिरम कड़े ने, बाबा जान दे हाथ दे उत्ते रख दिते, महफल खत्म हो गई, सलाह तो सलाम हो गया। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने दुआ वास्ते हाथ उठा ले, बच्चा चलदिया चलदिया अबू बकर बिन मुजाहिद के कदमों के अंदर आ गया, आके आखन लगा ऐ अबू बकर बिन मुजाहिद, तुसा ये ऐलान किया है जेड़ा बंदा भी सैयदजादे की खिदमत करेगा मैं उस वास्ते बरकत दियां 3 दुआवां करा। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं गल कीती है, आखन लगा मैं उस बाबे दी खिदमत कीती है, मैं बरकत दियां 3 दुआवां करवाना चाहता वा। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने इरशाद फरमाया, बोल बचिया केड़ियां दुआवां करवाना चाहता है, किस वास्ते करवाना चाहता है, आखन लगा पहली दुआ मैं अपने वास्ते करवाना चाहता वा। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने इरशाद फरमाया, बोल बचिया केड़ी दुआ है, आखन लगा ऐ अबू बकर बिन मुजाहिद, कई नस्लों तू विकदा विकांदा, मैं यहूदियों की गुलामी के अंदर आ रही वहां, मैनू ना अपने मां का पता, ना मैनू अपने बाप का पता, ना मैनू अपने खानदान का पता, ना मैनू अपने कबीले का पता, ना मैनू अपने अजीजो अकारब का पता, कई नस्लों तू विकदा विकांदा मैं गुलामी करता आ रहा वहां। ऐ अबू बकर बिन मुजाहिद, अज सरकार दे जिक्र दी महफल दे अंदर रब दी बारगाह दे अंदर दुआ करो, अल्लाह करीम जिक्र मुस्तफा सदका मैनू यहूदियां दी गुलामी तो आजादी अता फरमा देवे। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने दुआ की थी, मजमे वाले ने आमीन आखिया, आपने शास में बोल बचिया दूसरी दुआ केड़ी है, आखन लगा ऐ अबू बकर बिन मुजाहिद, दूसरी दुआ मैं अपने मालक वास्ते करवाना चाहता वा, मजहब बड़ा गंदा रखता है, यहूदियत मजहब रखने वाला है, लेकिन आता उस दियाँ बड़िया चंगी ने, मेरे उत्ते बड़ी शफकत करन वाला, मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करन वाला, लेकिन उसका मजहब ठीक नहीं है, मैं उस वास्ते दुआ करवाना चाहता वा, तुसी सरकार दे जिक्र दा सीला दे के रब दी बारगाह दे अंदर दुआ करो, अल्लाह करीम जिक्र मुस्तफा दा सदका मेरे मालक नू कमली वाले दा नौकर बना देवे, मेरे मालक नू कमली वाले दा नौकर बना देवे।
आपने इरशाद फरमाया ठीक है दुआ हो गई। मजमे वाले ने आमीन आखिया। बोल बच्चे तीसरी दुआ केड़ी है? आख लगा ए अबू बकर बिन मुजाहिद आज तो लैके कयामत दे दिन तक जेड़ा भी सरकार दा गुलाम सरकार दे जिक्र दी महफिल सजाएगा सरकार दे जिक्र दी महफिल दे अंदर आएगा दिल दा रिश्ता सरकार दे नाल जोड़ लवेगा मैं उस वास्ते दुआ करवाना चाहता वा। आपने इरशाद फरमाया बोल। आख लगा ए अबू बकर बिन मुजाहिद जेड़ा बंदा भी दिल दे विचों सरकार दा जिक्र करे सरकार दी मोहब्बत रखे घर जाके बिस्तर दे उत्ते सो जाए कमली वाला मेहरबानी फरमा देवे उसनु अपना जलवा विखा देवे अपना दीदार अता फरमा देवे। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद ने दुआ फरमाई मजमे वाले ने आमीन आखिया। बच्चा घर दे अंदर चला गया यहूदी ने मारना शुरू कर दिता। आखन लगा सुबह तो लैके शाम तक तू घर दे विचों बह रहा है मैं तैनू साजो सामान लैन वास्ते घर दे विचों भेजे ना तेरे कोल सामान है ना पैसे ने सारा दिन तू कित्थे गुजार के आ गया है। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमांदे ने मार मार के बच्चे नू इतना मारिया कि बच्चे दियां चीखा निकल गई घर दे कोने ते बह के रोन लग पिया। थोड़ी देर तो बाद मालक नू तरस आया आखन लगा बच्चा जरा मेरे करीब ते आ मैनू दस ते सही अज दा दिन तू कित्थे गुजारे है तेरे को पैसे किसे खास लेने या वजह की है मामला की है कितने कर रहे हैं पैसे और साजो सामान भी नहीं लेके आया सारा दिन भी बाहर गुजार के आ गए। वो करीब आया आख लगा जे मालका मैंने मारे नहीं तो मैं तेन सची सची गल दस देवा मैं इतों घर के बाहर निकलिया फलां मोहल्ले के अंदर जा रहा सा उत्थे सरकार दियां नातां दी मैनू आवाज आई है मैं सरकार दे जिक्र दी महफल दे अंदर चला गया सारा मामला पेश किया। आखन लगा मैं उत्थे बरकत दियां त्रै दुआवां करवा के आया वा तीन दिरम दे के उस आख्या जरा दस ते सही मैनू केड़ियां दुआवां करवा के आया है। बच्चा आखन लगा पहली दुआ मैं अपने वास्ते करवाइए कि अल्लाह करीम जिक्र मुस्तफा दा सदका मैनू यहूदियां दी गुलामी तो आजादी अता फरमा देवे। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद फरमांदे ने लोगो अजे ए लफ्ज उस बच्चे दी जबान ते मौजूद ने मालक ने आख्या जा मैं तैनू जिक्र मुस्तफा दा सदका आजाद कर छोड़िया। दूसरी दुआ केड़ी करवाइया आखन लगा है मालिक दूसरी दुआ मैं तेरे वास्ते करवाइए तू बड़ा चंगा बंदा है तू मेरे उत्ते बड़ी शफकत करन वाला है लेकिन तेरा मजहब बड़ा भैड़ा है यहूदी मजहब रखने वाला है मैं जिक्र मुस्तफा दे सदके तेरे वास्ते दुआ करवा के आया वा अल्लाह करीम तैनु कमली वाले दा नौकर बना देवे। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते ने लोगो अजे ए लफ्ज उस बच्चे दी जबान ते मौजूद ने ते मालक ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिता है सरकार दो आलम अली सलाम दा कलमा पढ़ना शुरू कर दिता मुसलमान हो गया। आखन लगा हुण तीसरी दुआ उस बच्चे ने आख्या तीसरी दुआ मैं इत्थे नहीं दसनी चल जरा नवे कपड़े पा के आ नहा के आ अपना जिस्म पाक कर जाके मस्जिद के अंदर बैठ जाते हैं मस्जिद के अंदर जाके बैठ गए। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते ने उस बच्चे ने उसनु दो रकात नमाज नफल पढ़वाए नफल पढ़वा के कुरान पाक की तिलावत करावना शुरू कर दी कुरान पाक की तिलावत तो बाद सरकार से दरूद पढ़ना शुरू कर दिता ते ओ मालिक आखन लगा जरा दस ते सही दुआ केड़ी करवाइया जे तुहाड़ा ज़ौक होवे ते शायराना अंदाज अंदर पढ़ लैने बोलो सुभान अल्लाह नहीं इंज नहीं मुहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। दोवें मालक ते ओ मालक ते जिहड़ा बच्चा है जिहड़ा हुण मुसलमान हो चुके मालक दोवें सरकार दी बारगाह दे अंदर रब दी बारगाह दे अंदर इल्तजा पे करदे ने या मौला इक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का या मौला इक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का पढ़ लो ये सिर्फ शेर नहीं है बल्कि सरकार दो आलम अली सलाम दी बारगाह दे अंदर अगर बंदा दिल दा रिश्ता जोड़ के मांग लवे मेरे आका इमाम अलंबिया जरूर करम नवाजी फरमा देने अपने गरीब उमतियां नू दीदार अता फरमा देंदे ने मुहब्बत नाल पढ़ लो या मौला एक बार दिखा दे जलवा कमली वाले का तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली और केड़ा चेहरा है जिसके बारे उम्मे माबद ने आखे राय तो रजुलन जाहिर अल वदाते मली अल वजह हसन अल खलके लम ताइब हो सजलतुन वलम तुजर बिही सालतुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन कसीम
तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली। ओ बच्चा कहंदा है असी मस्जिद दे अंदर बह के सरकार दी बारगाह दे अंदर दुआ पे करदे आं, या रसूल अल्लाह करम नवाजी फरमा देवो, इल्तजामा पे करदे आं हाथ जोड़ के। अचानक असी की वेखदे आं, साडे सज्जे भी नूर है, खब्बे भी नूर है, अगे भी नूर है, पिछे भी नूर है, नूरी नूर है, हर पासे नूरी नूर है। इसी नूरी नूरी माहौल दे अंदर साडे कन्ना दे अंदर आवाज आई है, हुजूर आ गए हैं, हजूर 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 आ गए हैं। बड़ा मशहूर कलाम है यार सरकार दो आलम अली सलाम दी, ए नात बच्चे बच्चे नूं आउंदी है, लेकिन मुहब्बत दा थोड़ा जिहा ज़ौक पैदा करो। अजे तुसीं शाह साहब दा खिताब सुनना है, हुणे तुसीं ढिल्ले बैठे होए, मुहब्बत दे नाल पढ़ लो, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, फलक के नजारो जमी की बहारो सभी दे मनाओ, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हजरत सैयद आमना फरमांदियां ने, लोगो जिसले मेरे लाल दी विलादत दे बाद सादत दा वक्त करीब आया ना, मैं अपने हुजरे दे अंदर मौजूद हाँ, मेरे दिल दे अंदर एक ख्याल आया कि मेरे कोल ते कोई दाई मौजूद नहीं, कोई औरत नहीं, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। आप फरमांदी ने मेरे सामने एक खूबसूरत जी औरत आ गई, अज तो पहले मैं इतनी हसीन औरत नहीं वेखी दुनिया से। आप इरशाद फरमांदी ने, बस मेरे दिल के अंदर एक ख्याल है, वो औरत बोल के आखन लगी, ऐ आमिना परेशान ना हो, मैं इस दुनिया की कोई औरत नहीं हाँ, मैं ते जन्नत दी हूरां दी मलका वा, रब ने अपने हबीब दे इस्तकबाल वास्ते मैनू भेजिया है। हजरत सैयद आमना फरमांदी ने, मैं अपने हुजरे दे विचों निकल के घर दे सेन दे अंदर गई हाँ, आसमान वाल निगाह उठाई है ते मैं की वेखदी हाँ कि आसमान दे सितारे मेरे घर वाल झुक रहे ने। मेरे दिल दे अंदर एक ख्याल आया कि आसमान दे सितारे नूं ते रब ने आसमान दी सजावट वास्ते पैदा कीता है, आसमान दी खूबसूरती वास्ते पैदा कीता है, ए मेरे घर दे अंदर क्यों आ रहे ने। मेरे कन्ना दे अंदर आवाज आई है, ऐ आमिना परेशान ना हो, ये तैनू परेशान करने वास्ते नहीं बल्कि तैनू तेरे लाल दी मुबारकबाद देने वास्ते आ रहे ने। ते इत्थे मेरे सैयद आला हजरत बोले, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सैयद आला हजरत फरमाते ने, लोगो जिसले 12 रबी अव्वल की सुबह होंगी है ना, लोग अपनी औकात के मुताबिक लोगों नू लंगर तकसीम कर दें, लेकिन जिसले 12 रबी अव्वल की सुबह हजरत सैयद आमना के वेड़े के अंदर हुई है, मक्के की धरती आई, मेरे खालके कायनात ने पूरी कायनात के अंदर नूर की खैरात तकसीम फरमाई है। तो आप फरमाते ने, जेड़े आसमान के सितारे जमीन से आ रहे सन ना, इस वजह तो आ रहे सन, बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमांदे ने कि नूर की खैरात लेने आया है तारा, नूर का नूर की खैरात लेने आया सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। हजरत
सैयद आमना फरमादिया ने लोगो जिसले मेरे लाल दी विलादत ते बाद सादत इस दुनिया ते हो गई। मशहूर रवायात तुसी उलमा तो सुनते रहते हो। खारा जमीनी नूर मेरे बत्तां ने अथर दे विचों नूर जाहिर होया। मेरे सामने हर चीज इंज रोशन हो गई है जिवें मेरे सामने कोई पर्दा ही नहीं है। हजरत सैयद आमना फरमादिया ने लोगो जिसले मेरे दिल के अंदर यह ख्याल आया मैं अपने पुत्र नूं वेखां जिवें कायनात की हर मां अपने पुत्र नूं वेखण दा इरादा कर दी है। मैं की वेखदी हां कि मेरे सामने एक बादल दा टुकड़ा मेरे घर दे अंदर आया। हजरत शाह मुहक्किक मुहद्दस दिल भी फरमाते ने लोगो सरकारे दुआलम अली सलाम दी वालदा फरमादिया ने बादल दा टुकड़ा हजरत सैयद आमना दे वेड़े दे अंदर आया। मेरे आका इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अपनी लपेट दे अंदर लै लिया। हजरत सैयद आमना फरमादिया ने लोगो मैं डर गई हां मेरा पुत्र मेरे सामने मेरी अखां दे सामने गायब हो गया है। लेकिन मेरे कन्नां दे अंदर आवाज आई ऐ मेरे फरिश्ते हो मेरे मुहम्मद महबूब नूं मशरक दी सैर भी करा देवो मगरब दी सैर भी करा देवो इस नूं आसमाना दी सैर भी करा देवो इस नूं समुंदरां दी सैर भी करा देवो। हजरत सैयद आमना फरमादिया ने अचानक मेरे कन्नां दे अंदर आवाज आई है इस नूं पूरी कायनात विखा देवो ताकि पूरी कायनात मेरे महबूब मुहम्मद दे नां नूं भी पहचान लवे मेरे महबूब मुहम्मद दी सूरत नूं भी पहचान लवे मेरे महबूब मुहम्मद दी शान नूं भी पहचान लवे। मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयद आमना फरमा दिया ने लोगो फिर अचानक मेरे कन्ना दे अंदर आवाज आई वक्तू हो खिलका आदमा व मारिफता शीसन व उबदा नियाला व शुजात नूह व हुस्न यूसुफ व सबर अयूब व खिलत इब्राहिम व लिसान इस्माइल व इस्मत यहया व शिद्दत मूसा व जुहद ईसा व गमिसू हो फी इखलाके नबी। हजरत सैयद आमना फरमा दिया ने लोगो बस मेरे कन्ना दे अंदर आवाज आई मेरे महबूब मुहम्मद नू आदम अले सलातो सलाम दी खिलकत भी दे देवो हजरत शीस अले सलातो सलाम दी मार्फत भी दे देवो हजरत दानियाल अले सलाम दी मुहब्बत भी दे देवो हजरत नूह अले सलाम दी शुजात भी दे देवो हजरत इब्राहिम अले सलाम दी खिलत भी दे देवो हजरत इस्माइल अले सलाम दी जबान भी दे देवो हजरत अय्यूब अले सलाम दा सबर भी दे देवो हजरत यूसुफ अले सलाम दा हुसन भी दे देवो हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम दी शिद्दत भी दे देवो हजरत यहया अलैहि सलाम दी इस्मत भी दे देवो हजरत ईसा अलैहि सलातो व सलाम दा जोद भी अता फरमा देवो। वग मिसू हो फी इखलाक नबी ए ऐ मेरे फरिश्ते हो जितने भी मेरे नबी इस दुनिया ते आए ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया दी तादाद या 2,24,000 जेड़े अल्लाह दे इलम दे अंदर मौजूद ने। सैयद आमना फरमादियां ने लोगो मेरे कन्ना दे अंदर आवाज आई खालके कायनात ने अपने फरिश्तियां नूं हुक्म इरशाद फरमाया फरमाया ऐ मेरे फरिश्ते हो जितने भी मेरे नबी इस दुनिया ते आए ने हर नबी हर रसूल दी खिसलत ते खूबी हर नबी हर रसूल दा कमाल इकट्ठे करके मेरे महबूब मुहम्मद नूं अता फरमा देवो। हजरत शाह मुहक्किक मुहद्दस दिल भी फरमाते ने लोगो वजह की है मामला की है ये सारियां खसलतां सारियां खूबियां सरकारे दुआलम अली सलाम नूं क्यों अता कीतियां गईयां सारे कमालात सरकार नूं क्यों अता कीते गए। खालके कायनात ए चांदा है अगर दुनिया दे उत्ते दो तराजू कायम कीते जान एक पलड़े दे अंदर सारे नबियां ते रसूलां नूं रख दिता जाए दूसरे पलड़े दे अंदर आमना दे लाल दी जात नूं रख दिता जाए सरकारे दुआलम अली सलाम नूं दूसरे पलड़े दे अंदर रख दिता जाए। खालके कायनात ए चांदा है जिसले उन्हां दोवां पलड़ियां दा वजन कीता जाए मेरे यार मुहम्मद वाला पलड़ा रब भारी फरमा देवेगा। हजरत सैयद आमना फरमा दिया ने लोगो बस अचानक मेरे सामने मेरा लाल आया। आखिरी जुमले मोहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। सरकारे दुआलम अली सलाम दी पाक अम्मा फरमा दिया ने लोगो कायनात दी हर मां दे दिल दे अंदर तमन्ना पैदा होंदी है जिसले उसका पुत्र दुनिया ते आवे जिसले अल्लाह करीम उसनु औलाद अता करे। लेकिन मेरे दिल दे अंदर भी तमन्ना पैदा हुई मैं अपने पुत्र नु मुड़ के वेखा जिसले मैं अपने पुत्र नु मुड़ के वेखिया अल्लाह करीम ने मैनू कितना सोहना पुत्र अता किया है। तवज्जो मुंडे दी मस्जिद दे अंदर भावन वाले हो जेड़ा बंदा हुण सुभान अल्लाह ना आखे अपने आप नु बड़ा बदकिस्मत समझे घर दे इत्थों मस्जिद विच्चों बाहर निकल के
सरकार दो आलम अली सलाम दी अम्मा फरमांदियां ने लोगो जिसले मैं अपने लाल नु मुड़ के वेखिया लम्मा वदातुहु फरअइतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरा। कोई मेरी तुहाड़ी मां दे जुमले नहीं है, बीबे खुदा दी मां दे जुमले ने। सरकार दो आलम अली सलाम दी पाक अम्मा फरमांदियां ने लोगो जिसले मेरे दिल दे अंदर एक ख्याल आया मैं अपने पुत्र नू वेखा, अल्लाह करीम ने मैनू कितना सोहना पुत्र अता कीता है। जिसले मैं मुड़ के अपने पुत्र नू वेखिया लम्मा वदातुहु फरअइतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजेदा। जिसले मेरा लाल इस दुनिया ते आया है मैं की वेख दिया मेरे पुत्र नू गुसल भी दिता होया है, मेरे पुत्र दे वालां दे अंदर तेल भी लगा होया है, मेरे पुत्र दी अखां दे अंदर सुरमे दे डोरे भी लगे हुए ने, मेरे पुत्र दी नाप भी कटी हुई है, मेरे पुत्र दा खतना भी कीता होया है, मेरे पुत्र दे नालों खुशबूआं पईआं आंदियां ने। इस तों भी अजीब गल मैं वेखी है मेरे पुत्र ने आंदियां ही अपना सर सजदे दे अंदर रख दिता है। इत्थे सराइकी दा शायर बोलिया उस आख्या जिदे रब ने अपने हबीब नू बनाया होवेगा रब ताला ने जरूर पूछे होवेगा मेरे हबीब मैं तेनू किवें बनावां। सराइकी दे शायर दी कलम हरकत दे अंदर आई आखन लगा के कीवें तेरिया मैं जुल्फा बनावा ते ए वी रब पूछिया हो सी कीवें तेरिया मैं जुल्फा बनावा ते ए वी रब पुछिया हो सी केड़ा रंग तेरे केड़ा रंग तेरे मथड़े ते लावा केड़ा रंग तेरे मथड़े ते लावा ते ए वी रब पुछिया हो सी प्यार वाला फासला मैं कदम चिणे सामने बाके बस असा तेनू वेखने। खालके कायनात ने जिसले अपने हबीब नू मेराज दी रात बुलाया ते ए आख्या होवेगा के प्यार वाला फासला मैं कदम चिणे सामने बाके बस असा तेनू वेखना है। दस किन्ना चिर दस किन्ना चिर सामने बहावा दस किन्ना चिर सामने बहावा ते ए वी रब पुछिया हो सी केड़ा रंग तेरे मथड़े ते लावा ते ए वी रब पुछिया हो सी। और तेरे इस सोने सोने नूरी नगीने ते जे तू चावे तेरे इस नशरा दे सीने ते दोवें हसन हुसैन लिटावा दोवें हसन हुसैन लिटावा ते ए वी रब पुछिया हो सी केड़ा रंग तेरे मथड़े ते लावा ते ए वी रब पुछिया हो सी। सरकार दो आलम अली सलाम दा जिक्र मनाउण वाले हो अल्लाह करीम ने अपने हबीब नू इतना सोहना बना के कायनात दे अंदर भेजे। हजरत जाबर बिन समरा रजी अल्लाह तआला नो आप सरकार दो आलम अली सलाम दी बारगाह दे अंदर आ गए। चौदहवीं रात दा चन्न आसमाना ते चढ़िया होया है। सरकार दो आलम अली सलाम दा चेहरा वेखदे ने कदी आसमाना दे चन्न नाल वेखदे ने। दिल दे अंदर एक ख्याल आया लोग आ दिन चौदहवीं रात दा चन्न बड़ा सोहना हुंदा है लेकिन सरकार दे सहाबा ने दस्या कि मदीने दा चन्न बड़ा सोहना है। सरकार दो आलम अली सलाम दे चेहरे अल कदी वेखदे ने कदी कदी सरकार दे चेहरे अल वेखदे ने कदी सरकार दो आलम अली सलाम दे सामने बह के आसमाना दे चन्न अल वेखदे। हजरत जाबर बिन समरा रदी अल्लाह तआला नो बस इहो ही कैफियत सरकार ने वेखिया। सरकार ने इरशाद फरमाया जाबर वजह की है कदी आसमाना दे चन्न अल वेखदे हो
कदी मेरे चेहरे हल वेख दियो, मामला की है जरा दसो ते सही। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को सुने आसमाना दा चन्न बड़ा सोहना होंदा है, लेकिन तुहाडे यारां कोलों सुने मदीने दा चन्न बड़ा सोहना है। आसमाना दा चन्न भी मेरी अखां दे सामने, मदीने दा चन्न भी मेरी अखां दे सामने। दिल दे अंदर एक ख्याल आया, ऐ जाबर बिन समरा, दोवें चन्न अखां दे सामने आ गए ने, दिल दे कोलों फैसला ते करवा लवीए कि चौदहवीं रात का चन्न ज्यादा सोहना है या मदीने का चन्न ज्यादा सोहना है। हजरत जाबर बिन समरा रजी अल्लाह तआला नो, आपने जिसले अर्ज की थी, सरकार ने इरशाद, मैं जाबर फिर तेरे दिल ने की फैसला किया है? अर्ज की थी, सोनिया बदुहा दे चेहरे वाले आ, बड़ा निझा के तकिया है आसमाना दे चन्न, बड़ा ही निझा के तकिया है मदीने दे चन्न, लेकिन मेरा दिल ये सोचण ते मजबूर हो गया है जेड़ा आसमाना दा चन्न है वह भी मदीने दे चन्न ने कदम की खैरात लैके कायनात दे अंदर रोशनी पे तकसीम कर दे। सरकार दो आलम अली सलाम नु अल्लाह ने यह अजमत अता फरमाइया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ ले आए, माशाल्लाह साड़ी खुशकिस्मती फख्र सादात आलम नबील फाजिल जलील शहबाज खिताबत हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद अजमल शाह साहिब आप तशरीफ ले आ चुके ने, बस आप खिताब होने, जरा मोहब्बत नाल बोलो सुबहान अल्लाह। सरकार दो आलम अली सलाम आप दे कदमा दी खैरात आसमाना दा चन्न भी रोशनी पे तकसीम कर दे, फिर असी क्यों ना किए, अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां दा सजन। बस आखिरी गल ते है भी पंजाबी दी, ते किबला शाह साहब दे खिताब शुरू होने, थोड़ा जे ज़ौक पैदा करो ताकि इन्हां नूं पता चल जाए, ज़ौक वाले बंदे बैठे ने, मुहब्बत दे नाल बोलो सुबहान अल्लाह। अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां दा सजन, जिथों लगदा गया रंग लौंदा गया, ओदे रुतबे नूं लोकां ते मनना ही सी, सोना पत्थरां नूं कलमे पढ़ाउंदा गया, ओदे रुतबे नूं लोकां ते मनना ही सी, सोना पत्थरां नूं कलमे पढ़ाउंदा गया। अब्दुल्ला दा चन्न दुखियां दा